आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रीम इलेवन पर आप जो है मैच स्टार्ट होने के बाद अपनी टीम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कहाँ से आप जो है टीम जब मतलब ड्रीम इलेवन पर आप टीम बना लोगे, मैच भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो वीडियो को आप यहाँ पर पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए बेसिकली क्या है कि ड्रीम इलेवन पर आप जो है टॉस के टाइम मतलब मैच देखिए 7 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आप 6:30 बजे तक यानी कि जब टॉस कंप्लीट हो जाए तब तक आप जो है टीम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैच स्टार्ट होने से मतलब जब टॉस हो जाए आपको पता चल जाए कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है तब तक आप अपनी टीम को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इतना सारा आपको मौका दिया जाता है, ठीक है, यानी कि मैच स्टार्ट होने के बाद आप जो है ड्रीम इलेवन पर चेंज टीम कर सकते हो। बाकी एक बार बैटिंग या फिर बॉलिंग जो भी है स्टार्ट हो जाए या फिर प्लेयर्स ग्राउंड में चले जाए तो उस टाइम तक आपको टीम चेंज करने का मौका मिलता है, उसके बाद आप टीम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस यही था कि आपको टॉस के टाइम या फिर एक तरीके से टॉस होने के बाद भी आप जो है टीम चेंज कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले आपको टॉस तक का टाइम दिया जाता था, मान लीजिए आप मैच जो है 7:30 बजे शुरू होगा, 7 बजे टॉस है तो आपको लगभग 6:30 बजे से 6:30 बजे ही आपका ड्रीम इलेवन पर जो टीम एडिटिंग का ऑप्शन है वो हटा दिया जाता था। अब यहाँ पर टॉस का टाइम तक ये जो है बढ़ाया गया है, बाकी उसके बाद आप जो है यहाँ पर एडिट वगैरह नहीं कर सकते।